सबसे पहले बहुत खुश हूँ कि कशिश और विपिन ने यू नो अभी यहीं थे, कहाँ गए, बहुत बहुत अच्छा काम किया है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं चंपक जैन जी और वीनस का बहुत बहुत यू नो शुक्रिया अदा. मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, आई एम कम्प्लीटली रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ. और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ वीनस को और चंपक जैन जी को. और ऑफ कोर्स सभी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है. और बिन तेरे सनम गाना ही आई थिंक लोग इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी साल हो जाए, कितने भी ज़माने निकल जाएं और कितने भी रीमिक्सेस बन जाएं आई थिंक, लेकिन बिन तेरे सनम जो जहां पर है वो वहीं रहेगा. और उससे इंस्पायर्ड होके हमने कुछ इस गाने को रिक्रिएट करने की कोशिश की. और बिलाल ने भी बहुत बहुत अच्छा गाया, मैं बिलाल की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. और ऑफकोर्स शेखर जी ने बहुत अच्छी तरह से उसे लिखा है, क्योंकि एक गाने को जब ऑलरेडी गाया हुआ, एक पिक्चराइज किया हुआ, कंपोज किया हुआ, लिखा हुआ, ऐसे गाने को आप फिर से दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आप में एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस होती ही है, क्योंकि लोग डेफिनेटली, हमारा ये मकसद नहीं होता है कि हम कंपेयर करवाएं किसी से इन सब गानों को, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके लोग कंपेयर करते हैं. और ऑफ कोर्स ओरिजिनल गाना उसे कोई कभी नहीं छू सकता है, लेकिन हमने कुछ कुछ क्रिएट रिक्रिएट करने की कोशिश की है, जहाँ पे ऑफकोर्स इवन विक्रम ने बहुत अच्छे से कंपोज किया है, जो शेखर जी ने लिखे हैं, जो भी रीराइट किया है गाने को. सो आई थिंक ओवरऑल एक जो टीम वर्क रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है. एंड थैंक्स टू द ऑडियंस और टू द लिसनर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया. और आई थिंक एक दो दिनों में ही हर एक म्यूज़िकल जितने भी म्यूज़िक के ऐप्स हैं उनमें भी बहुत सारे व्यूज़ हैं और बहुत सारी बार प्ले हो चुका है. सो आई एम रियली हैप्पी. बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि भूमि जी ऑलरेडी बहुत बड़ी स्टार है अब, जैसा आप लोग जानते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. और मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जब अपनी आवाज़ दी सॉन्ग में, तो इनके ही आने के जैसे सॉन्ग नेक्स्ट लेवल गया, नहीं तो हम लोग इतने वो नहीं कर सकते थे. रियलिटी शो का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ और बहुत सारे सिंगर्स हैं. और ऑफकोर्स एक ग्रूमिंग मिलती है कहीं ना कहीं जाके आपको, बहुत सारे आपके जो सपनों के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं रियलिटी शोज़ में आकर. और ये एक तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम ही समझ लो, कि इतने सारे लोग, लाखों लोग आते हैं, उनमें से कुछ बेस्ट चुने जाते हैं और फिर फिल्ट्रेशन वाला जो एक प्रोसेस होती है, तो वो फ़िल्टर होना जब शुरू होता है, दैट यू कैन कॉल इट गाला राउंड्स. और फिर गाला राउंड्स में आते आते टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3, और फिर जो विनर बनता है और रनर्स अप होते हैं, बहुत सारे लोग 2-3 रनर्स अप होते हैं. तो उनमें से मैं भी इंडियन आइडल सीजन 5 में आई वाज वन ऑफ द टॉप 3 फाइनलिस्ट और फर्स्ट रनर अप रही हूँ मैं. तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली. एंड ऑफ कोर्स अगर जजेस की बात की जाए तो मेरे सबसे फेवरेट 3 जजेस जो पैनल पे बैठे हुए थे, और सुनिधि मैम की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और उनको मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गुरु माना है अपना, और उनसे काफ़ी, उनके गानों से मैं काफ़ी कुछ सीखी थी और आज भी मैं उनको फॉलो करती हूँ. और ऑफ़ कोर्स सलीम सर जो मेरे बहुत मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रह चुके हैं और मैं उनको बहुत मानती हूँ. एंड ऑफकोर्स सलीम सर, सुलेमान सर के साथ भी मैं लाइव परफॉर्म करती हूँ पिछले 2-2.5 साल से. सो उस तरह का एक्सपोजर मिला. एंड ऑफकोर्स अनु मलिक जी, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे. एंड सभी लोगों ने बहुत एक मेंटोरिंग जो की है, आई थिंक आज हम इसी वजह से खड़े हैं. जी, मैंने फ़िलहाल अभी रिसेंटली निमृत कौर जी की एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है द टेस्ट केस, उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया है. और कुछ रीजनल फिल्म्स हैं, कुछ एड फिल्म्स हैं जो 8 लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड की गई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी और एक लैंग्वेज में भूल रही हूँ, मलयालम.
इन सारी लैंग्वेजेस में मैंने एट फिल्म्स में भी गाना गाया है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रही हूँ, लाइव शोज हो रहे हैं. सो कहीं ना कहीं एक जो है वो पहिया चल रहा है एंड हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दे सकें.